ये है खाना, देख लो फिश कड़ी, ये फिश है, ये चटनी वगैरह है, दो सालन है। इसी होटल से ले गया था वो बिरयानी जो मामू दिलवाए थे जिस दिन उनका नतनी पैदा हुई थी तो पार्टी दिए थे, तो इसी होटल से वो बिरयानी ले गया था मैं पैक करवा कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है जुमा, तो आज के दिन मैं दिखाऊंगा कैसे जाता है, कैसे क्या क्या मैं करता हूँ। और ये देख लो, ये जोमेटो का टी शर्ट मैंने आप लोगों को बोला था ना कि लेके जा रहा हूँ, ये नाइट में पहन के सोऊंगा, तो यही नाइट में पहन के सोता हूँ मैं। और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ और हमेशा यही नाइट में पहन के रहता हूँ, अंदर मैं यही पहनता हूँ। अभी ठंडी ज़्यादा है, मैंने जैकेट खरीदा नहीं है, तो यही दो तीन कपड़े पहनता हूँ मैं, ये अंदर में पहन लेता हूँ, फिर इसके ऊपर से शर्ट पहनता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि शर्ट के अंदर ये कॉलर दिखता होगा, तो यही जोमेटो वाला टी शर्ट पहनता हूँ, देख रहे हो, ये देखो फूड डिलीवरी। तो ये पूरा सऊदी में प्रमोशन हो रहा है जोमेटो का, जोमेटो वाला तो मुझे अपना पैसा एक भी नहीं दिया। हाँ तो दोस्तों, अभी दोपहर का 3 बज रहा है और आज था जुम्मा, जुम्मे का दिन, देख रहे हो फ्राइडे। अभी खाना खा के वीडियो एडिटिंग करते करते दोपहर का 2:50 हो गया, फिर मैं अभी सोने जा ही रहा था तब तक मैडम का फोन आ गया, कफिल की औरत का, कि घर पे आओ, कुछ सामान है लेकर जाना है उधर अंकल फहद के घर पे। कितना अच्छा, अभी नींद आया था 10 ही मिनट बस सोया मैं और नींद मेरा खराब हो गया, तो अभी जा रहा हूँ मैं। और कल जो मैंने तेल डलवाया था 50 रियाल का, कफिल को रात को मैं फोन करता रह गया, वो फोन उठाया नहीं या ना ही फोन किया उधर से, वो जान गया है कि मैं जब भी फोन करूंगा तेल के लिए फोन करूंगा, इसीलिए वो फोन उठाया ही नहीं। तो देख लो, मैंने 50 रियाल का तेल डलवाया था, अभी पता नहीं कौन सा सामान पहुंचाना है उधर, 10-15 किलोमीटर दूर जाना होगा, उधर से आना होगा 30 किलोमीटर हो जाएगा, तो तेल का खसारा ही होगा। और जाकर देखता हूँ मैं रूम पे है कि नहीं कफिल, तो उस समय बोलूंगा तेल का पैसे के लिए। तो दोस्तों, 3:13 हो रहा है और मैं आ गया इधर कफिल के घर के बाहर, और देख रहे हो वो होम सर्विस वाले जो घर पे आके गाड़ी धोलते हैं, देखो ये रहा वो सिस्टम सब, देखो सब इधर है गाड़ी में, सब साबुन वगैरह पानी वगैरह सब गाड़ी में है। तो ये कार्ड है, ये कार्ड पहुंचाना है अंकल फहद के घर पे, तो जा रहा हूँ मैं अभी, देख रहे हो ये 3:14 हो रहा है। तो दोस्तों, आ गया मैं इधर नोगरा में जहाँ पे ये कार्ड देना है, 3:26 हो रहा है। और पता नहीं क्या इतना जरूरी था कि ये इतने 3 बजे उठा के भेजी मेरे को, शाम को रात को भेज सकती थी, अभी देखना ये लोग भी सोए ही होंगे, घंटों बेल बजाना पड़ेगा, घंटी बजाना पड़ेगा तभी गेट खोलेंगे। तो देख लो 3:27 हो रहा है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो गेट कब खोलते हैं और कब मैं ये कार्ड देके फिर निकलता हूँ अपने रूम के लिए। तो देखो दोस्तों, 3:28 पे मैं पहुँचा हूँ इधर ये घर के बाहर, अब मैं बेल बजाता हूँ और देखता हूँ कब ये लोग गेट खोलते हैं। तो चलो दोस्तों, शुक्र है आज जल्दी खोल दिए, 3:33 पे ही गेट खोल दिए, अब मैं दे दिया कार्ड, अब मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए। रास्ते में ये मैंगो रिएक्शन चैनल के लिए वीडियो शूटिंग कर लूँगा। तो दोस्तों, 4 बज गया, अभी मैं इधर ही हूँ, यहाँ पे मैंने अपना गाड़ी पार्किंग लगा कर और अभी अभी मैंने शूटिंग किया वीडियो मैंगो रिएक्शन के लिए, तो मैंने वीडियो शूटिंग कर लिया, मैं निकल रहा हूँ रूम के लिए। तो आज है शनिवार, कल जुम्मे को मैं सब्जी बचा था तो वही खा लिया, मैंने सोचा था कि जुम्मे को कुछ अच्छा खाएंगे बिरयानी वगैरह होटल में जाकर, पर सब्जी बचा था तो मैंने सोचा पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो आज शनिवार है तो मैंने सोचा जुम्मे को नहीं खाया था, शनिवार को जाके खा लेते हैं होटल में कोई बिरयानी वरयानी, तो जाऊंगा, एक हिंदी होटल है तो वहाँ पे बिरयानी मिलता, अच्छा चटपटा बिरयानी मिलता है, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं, वहीं पे बिरयानी देखता हूँ है या नहीं, होगा तो वहीं पे बिरयानी खा लूंगा। तो अभी दोपहर के 12:26 हो रहा है, तो अभी इधर से मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ उधर, नहीं तो ख़त्म भी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है उसका बिरयानी का दुकान, तो देखते हैं अभी क्या रेट है, पहले तो 8 रियाल में देता था, अब कितना रेट बढ़ गया या फिर घट गया है, 5-6 महीने में बहुत ही इधर रेट वगैरह बढ़ गया है हर चीज़ का, सामान वगैरह का। तो देख रहे हो पीछे वाले टायर में मैंने 2-3 दिन पहले हवा भरा था बिल्कुल फुल और हवा कम हो गया है, तो इसमें से हवा निकल तो रहा है, थोड़ा धीरे ही धीरे निकल रहा है, मगर निकल रहा है कहीं से,
पता नहीं कोई छोटा सा पंचर वगैरह तो नहीं ना है, इसको चेक करवाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हवा ऐसे निकल जाएगा, बंद बैठ जाएगा तो फिर मुश्किल होगा। तो इसको रास्ते में हवा भी डाल दूंगा, या फिर पंचर वगैरह का होगा तो मैं देखूंगा, पंचर बनवा लूंगा। यहाँ पे तो मैं जब से आया हूँ परेशान हो गया हूँ पंचर बनवाते बनवाते। इधर नए मकान में जब से मैं आके रह रहा हूँ, इधर गाड़ी खड़ा कर रहा हूँ मैं, जितना पंचर मेरा 5 साल में नहीं हुआ था, इधर 1 महीने में हो गया, 1.5 महीने में हो गया, उससे ज़्यादा 7-8 बार मैंने पंचर बनवा चुका हूँ। और जब देखो पंचर ही पंचर, पंचर ही पंचर, पता नहीं कितना इधर कील वगैरह कांटी वगैरह इधर पड़ा हुआ है, जब देखो हल जाता है, पंचर हो जाता है। परेशान हो गए और कहीं गाड़ी खड़ा करने का इधर जगह है नहीं, एक यही है, और यहाँ पे इतना कचरा है कि पंचर हो जाता है गाड़ी बार बार। तो इधर रास्ते में ये दिख गया तो मैं हवा डाल लेता हूँ यहाँ से, फिर चलते हैं उधर बिरयानी खाने, तो हवा डाल लेता हूँ। आगे में ठीक है, ये पीछे में देख रहा हूँ। अभी फिर से हवा डाल के देखता हूँ मैं और कितना दिन चलता है, फिर इसके बाद अगर ख़त्म होगा तो फिर इसके बाद ख़त्म होगा हवा तो फिर मैं पंचर बनवाऊँगा। तो ये हवा डल गया देख रहे हो, बाकी पता नहीं किधर से लीक हो रहा है। अब ख़त्म होगा तो मैं फिर बनवाऊँगा पंचर, फिलहाल के लिए ऐसे ही हवा डाल ले रहा हूँ। छोटा सा कोई पंचर है, धीरे धीरे बिल्कुल हवा निकल रहा है। मुझे तो लग रहा है ये जो पहले वाला पंचर, एक बड़ा सा पंचर हुआ है, वही बार बार ख़राब होता है, तो उसी में अब सही से बनवाना पड़ेगा। 25 रियाल वाला अंदर से खोल के बनाते हैं, 25 रियाल वाला तो सही से बनेगा, अगर उसी में होगा पंचर तो इस बार मैं 25 रियाल वाला बनवाऊँगा। तो ये होटल था, अरे होटल तो बंद हो गया है देख रहे हो, मतलब 5-6 महीने में शायद बर्बाद होकर चले गए। जब बाबू का दुकान खुलता था ना तो ये होटल में डेली शाम को नाश्ता लेने में आता था, इंडियन समोसा इसी में मिलता था तो मैं इसमें डेली आता था। अभी तो देख रहे हो बंद हो गया है, अब पता नहीं अब किसी और होटल में जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि बिरयानी खाऊंगा इस होटल से, मगर ये होटल ही बंद हो गया 5-6 महीने बाद मैं आया हूँ इधर। पता ही नहीं क्यों बंद हो गया, इतना तो चलता था पूरा, शाम को भीड़, दोपहर में भीड़ हमेशा रहता था। चलो चलते किसी और होटल से अपना लेंगे कुछ खाना वगैरह। तो ये वाला रेस्टोरेंट में आया हूँ, यहाँ पे मिलता है फिश कड़ी, जो मैंने 5 स्टार होटल में खाया था ना, वही वाला सेम टू सेम मिलता है फिश कड़ी। तो अभी यहाँ देखते हैं, एक टेबल बैठ गया तो ऑर्डर दे दिया हूँ मैं, आ रहा बारीक चावल। इसी होटल से ले गया था वो बिरयानी जो मामू दिलवाए थे, जिस दिन उनका नतनी पैदा हुई थी तो पार्टी दिए थे, तो इसी होटल से वो बिरयानी ले गया था मैं पैक करवा कर। तो ये है खाना देख लो, फिश कड़ी, ये फिश है, ये चटनी वगैरह है, 2 सालन है। चलो अभी मैं खा लेता हूँ, फिर आप लोग से बात करता हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने। तो अपना लंच हो गया, अभी बिलिंग कर रहा हूँ। तो दोपहर के 1:18 हो रहा और मैंने लंच कर लिया ये रेस्टोरेंट से, 9 रियाल का हुआ, 9 रियाल बिल हुआ। बारीक चावल 9 रियाल का मिलता है और मोटा वाला चावल 8 रियाल का, चाहे वो 5 स्टार होटल में खाओ या फिर ये वाला रेस्टोरेंट में खाओ, दोनों में सेम ही रेट है। 9 रियल हो गया इंडिया का 200 रुपये, तो 200 रुपये में देखो चावल मच्छी सब अपना मिल गया। तो दोस्तों यही है, उस एरिया में रह रहा हूँ तो मैं, कुछ अच्छा खाना हो तो मार्केट में आना पड़ेगा, सब्जी खरीदना हो तो मार्केट में आना पड़ेगा, सामान खरीदना हो तो मार्केट में आना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए मार्केट में आना पड़ेगा। उधर कुछ नहीं मिलता है, वो बिल्कुल देहात एरिया है, आउट एरिया, तो इसीलिए अब देखो मार्केट में आया हूँ, करीब 3-4 किलोमीटर दूर है।
ये अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं स्टार्ट करता हूँ, चलता हूँ रूम के लिए। हाँ, मैंने सोचा था कि इस हफ्ते जुम्मे को मैं कुछ होटल में अच्छा खाऊंगा बिरयानी वगैरह, तो मैंने उसी होटल का सोच रखा था, क्योंकि जब मेरा अबू का दुकान ओपन था तो उस होटल में डेली में जाता था नाश्ता लाने के लिए, और बिरयानी वहीं से हम खाया करते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छा बिरयानी बनाते थे, बिल्कुल चटपटा इंडिया की तरह। बाकी इधर से खाओ तो वो तो फीका फीका रहता है, मतलब ज्यादा चटपटा नहीं रहता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मसाला रहता है। तो अभी तो मैं जाके देखा तो वो तो होटल ही बंद हो गया, बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद इंडिया चले गए अपना बंद वगैरह करके, नहीं तो कहीं और खोले होते तो उसके ऊपर लिखा होता कि ये दुकान इधर शिफ्ट हो गया चाहे कहीं और शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब वो होटल बंद हो गया है। इरफान से पूछना पड़ेगा कि क्या रीजन है, क्यों बंद हो गया था। तो चलता हूँ अभी रूम पे, अपना वीडियो एडिटिंग करके डालूंगा और इंतजार करूंगा ड्यूटी वगैरह का। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। डेली एक ब्लॉग आता है सऊदी का, तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो।